नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं, देखते हैं आपके पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कोशिश करते हैं जानने की। आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, एक लाइक जरूर करना है गाइस, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर जरूर आपको सेंड करना है। देखते हैं आपके पार्टनर कल रात किस एनर्जी में थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर की कल रात की एनर्जी रही है, किस एनर्जी में थे उनके पार्टनर, क्या सोच रहे थे। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रही है कल रात के सोच में। देखो एक बात तो सबसे बड़ी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही कि आप दोनों में ना डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, या आप दोनों ना बहुत दूर दूर रहते हो। शायद कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है आप दूर दूर रहते हो, या अगर दूर नहीं रहते हो तो आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस बहुत आ चुका है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है गाइस। ओके, जिस तरह से आप एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर हो सकता है स्कॉर्पियो हो, कैंसर, पाइसी हो सकते हैं आपके पर्सन। देखो आपके पार्टनर का पूरा फोकस आपके ऊपर था कल रात, वो आपको देखे जा रहे थे, मे बी ऑनलाइन देखे जा रहे थे, या इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचे जा रहे थे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। सैजिटेरियस राशि भी हो सकती है आपके पार्टनर की, इनका पूरा जो फोकस है आपके ऊपर ही कल रात था। मे बी आपके पार्टनर बहुत बातें छुपाते हैं, नंबर 4 नंबर 3 खास हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपके पार्टनर कल रात ऐसा कुछ सोच रहे थे जो शायद पैसों को लेकर हो। कुछ ऐसी बात हो सकती है, शायद आपने कभी इस इंसान को अगर पैसे दिए तो वो लौटाने के बारे में बात कर रहे थे, या अगर इस इंसान के पैसे किसी की तरफ है तो वो उन पैसों को, मतलब हो सकता है किसी ने इनके पैसे लिए और दिए ही नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो आपके पार्टनर फाइनेंस को लेकर कुछ सोच रहे थे कि उनको बैलेंस करना है, या पैसा वापस लेना है या वापस देना है, कुछ तो ऐसी एनर्जी आ रही है। पेंटाकल्स मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में पेंटाकल को लेकर, पैसों को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ दिक्कत हो, और कल रात वो पेंटाकल्स को लेकर, पैसों को लेकर भी कुछ गहराई से सोच रहे थे। या कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ कमाते नहीं हैं और वो उनको चिंता है कि अगर आपके साथ शादी करनी है, अगर आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है तो उनको कुछ कमाना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर सोच रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको बहुत परेशान किया है, मे बी आजकल भी इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको तड़पाया है, बहुत परेशान किया है। कुछ लोग ले, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान को ना आपको तड़पाने में एक जैसे कि आसुरी आनंद मिलता है, होता है ना, जो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कि एक राक्षसी आनंद, एक आसुरी आनंद इस इंसान को मिलता है जब वो आपको तड़पता है। उसको खुशी होती है, आप इधर तड़पते हो, आप इधर रोते हो, लेकिन इसको बहुत खुशी मिलती है। ऐसा भी आपका पार्टनर कुछ लोग के लिए, हर किसी के साथ ये बात रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पार्टनर को बहुत आनंद मिलता है जब वो आपको तड़पाता है, और जानबूझकर वो आपको तड़पाता है। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं कि आपको लगता है कि इंसान शायद, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप बहुत भोले हो, आपको लगता है इंसान बहुत बिजी है, ये अपने काम में बहुत बिजी है, ये अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त है कि वो आपसे बात नहीं कर पाता। लेकिन रियलिटी क्या है कि इंसान आपको जानबूझकर तड़पाता है और उसको बहुत आनंद भी मिलता है उस बात के लिए, आपको तड़पाने के लिए। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर को शायद नंबर 8 एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, नंबर 8 की कुछ लोगों के लिए कार्मिक हो सकता है, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं। बार बार वैसी एनर्जी आ रही है, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या वो कुछ करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक न्यू बिगिनिंग तो वो चाहते हैं। और मे भी कुछ लोग तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कल रात बेचैन बहुत ज़्यादा रहे हैं, और वो ज़्यादातर एनर्जी मुझे फाइनेंस की ही आ रही है, क्योंकि पेंटाकल्स ही पेंटाकल्स मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। पैसों को लेकर कोई चिंता आपके पार्टनर को हो सकती है। यहाँ पर वी अल्फ़ाबेट खास हो सकता है, विक्ट्री चाहते हैं, वो विक्ट्री चाहते हैं आपके पर्सन इस रिश्ते में। यहाँ पर एच अक्षर भी, आई होप आपको दिखे एच। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन को हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो आपको बताना तो चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं। मे बी इनके थ्रोट चक्रा में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बातें शेयर करना इनके लिए मुश्किल जाता है, दिल की बात बोलना आपके सामने मुश्किल होता है। ऐसी भी कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है। दिल तोड़ा है आपका, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत लोग ऐसे, दिल टूटा है आपका, इस इंसान ने ऐसा कुछ किया है जिसके बाद आपके दिल के टुकड़े हो गए। और मैंने पहले बोला ना, इसको बहुत आनंद मिलता है, आपको तड़पाने में इसको बहुत आनंद मिलता है,
इस रिश्ते में कुछ आधी अधूरी बातें भी हो सकती है गाइस। इस इंसान ने हो सकता है कुछ सपने आपको दिखाए और उन सपनों को पूरा नहीं किया। किसी बात का बर्डन है दिल पर, जैसे कि इनके कल रात कोई बोझ जैसा कि है। और इस इंसान को डर भी बहुत लगता है। देखो, खुद किसी को तकलीफ अगर देगा तो डर तो इसको लगेगा। इसके मन में कोई डर भी है, आपका कुछ बुरा किया है, ठीक है। हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी गाइस, जनरल रीडिंग है, लेकिन ऐसे वाइब बहुत यहाँ पर आ रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि इस इंसान ने आपको कुछ धमकियाँ दी हैं, कुछ ब्लैकमेल किया है। हो सकता है अगर आप इस इंसान की कुछ बात ना माने तो हो सकता है इंसान आपको धमकियाँ दे, बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी है आपको, ब्लैकमेल किया है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। और अगर इसने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो इसको डर लगता है, और ये जब डरता है तो आपको और ज़्यादा धमकियाँ देता है। जितना ये डरेगा उतना ज़्यादा ये आपको धमकियाँ देगा। आप इस बात को ना अपने जहन में फिट कर दो, आपको धमकियाँ आ रही है इसका मतलब ये ज़्यादा डर रहा है, डर रहा है इसलिए धमकियाँ दे रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी कि आप में से कुछ लोग ऐसे कि आपको बहुत धमकियाँ मिल रही हैं या पास्ट में मिली हैं, और इसका मतलब ये इंसान डरता है इसलिए धमकियाँ देता है। इसको डर लगता है वो आपको कितना परेशान करता है, वो आपको कितनी तकलीफ देता है, वो कितनी धमकियाँ देता है। जितना ज़्यादा ये धमकियाँ देता है आप समझ लो कि उतना ही ज़्यादा ये डर रहा है, ओके। ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगी। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती गाइस, जनरल रीडिंग है। नंबर 7 की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई सॉफ्ट ऐसा कोई गिफ्ट करे, जैसे कि टेडी वगैरह होता है ना, ऐसा कुछ गिफ्ट करे। हो सकता है आपको बहुत पसंद हो, ठीक है, ऐसा कोई गिफ्ट करना चाहते हैं वो आपको, टेडी बेयर वगैरह कुछ होता है ना, सॉफ्ट टॉयज, ऐसा कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं वो आपको। झगड़े तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पास्ट में झगड़े आप दोनों के बीच में बहुत हुए हैं, और कल रात आपके पार्टनर सोच भी रहे थे। और जैसे कि मैंने बोला कि अगर इस इंसान ने कुछ गलत किया है तो धमकियाँ देगा, ये आने वाले समय में भी दे सकता है। हो सकता है किसी किसी को कल भी धमकियाँ मिली हैं, कल रात को धमकियाँ मिली हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ डर में जी रहे हैं, ऐसा कोई डर इनके जहन में बार बार, इंसान को इसकी रातों की नींद भी उड़ चुकी है। इसने इस रिश्ते को ठीक से हैंडल नहीं किया है गाइस, आपके प्यार को हो सकता है इसने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया। इसने हमेशा आपको ना ऐसा समझा कि मतलब होता है ना कि आप क्या कर सकते हो, आप में कहाँ हिम्मत है, मतलब इसने हमेशा ही आपको फॉर ग्रांटेड लिया कि आप ऐसे हो जो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब आप बदल रहे हो, आपने खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू किया है। अगर नहीं किया है, अगर आप नहीं बदल रहे हो तो आपको बदलना अब ज़रूरी है गाइस। खुद के हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा आपको। आप ऐसे हार नहीं सकते, आप किसी को डर नहीं सकते, बिल्कुल नहीं डर सकते आप। जो आपका हक है अगर उसे छीन रहा है कोई तो आपको डट कर सामना करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, ओके। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप दोनों ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बातें करते थे, ठीक है, बहुत मिस कर रहे थे उन बातों को। देखो ये इंसान मिस भी बहुत करता है। यहाँ पर जो एनर्जी है, देखो गाइस, आपके पार्टनर आपके साथ जो इस इंसान ने लम्हे बिताए हैं, आपके साथ जो इस इंसान ने बातें की हैं, बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा ही है कि आपके पार्टनर द्विधा परिस्थिति में है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में चेंज तो चाहते हैं। अब हम टैरो से जानते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं कल रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहे हैं। जनरल रीडिंग है, हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती है, ठीक है। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में है थे, ओके, किस एनर्जी में थे कल रात, इनकी क्या एनर्जी रही है। देखो कितना ज़्यादा इस इंसान को बर्डन फील होता है। इस इंसान ने जो गलत किया है ना आपके साथ, इसका बोझ बन गया है इसके सर पर। ये चाहे माने या ना माने, इसका अंतर्मन इसको बताता है कि इसने कितना गलत किया है आपके साथ। तो जो एनर्जी यहाँ पर है बहुत ज़्यादा एक बोझ जैसे कि इस इंसान के दिल पर है। हो सकता है इस इंसान के ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, हो सकता है वर्कलोड बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रीम भी कर रहे थे आपको लेकर, और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, या आपके पार्टनर लालची भी हो सकते हैं, पैसों के लालची हो सकते हैं, ओके।
इसलिए हमेशा इस इंसान का दिमाग भटकता रहता है। हो सकता है इस इंसान ने हमेशा पैसों के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ बातें ऐसी कर दी जिसका अब इस इंसान को बहुत ज़्यादा बोझ जैसा कि फील हो रहा है, बर्डन सा फील हो रहा है, ऐसा भी एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन ड्रीम बहुत कर रहे थे आपको, और एक से ज़्यादा ऑप्शन भी इस इंसान के पास हो सकते हैं, चाहे इनका करियर हो, चाहे इनका परिवार हो, जो भी हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कल रात आपके पर्सन बड़ी द्विधा परिस्थिति में थे और परेशान वो खुद भी हो रहे थे, डर उस इंसान को खुद भी लग रहा है अगर उसने आपके साथ कुछ गलत किया है तो। और यहाँ पर जो एनर्जी है, हो सकता है आपके पार्टनर ब्लैक कलर बहुत पसंद करते हैं, हो सकता है इस इंसान को ब्लैक कलर पहनना बहुत अच्छा लगता है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप एनर्जी हैं, आपके पार्टनर के माइंड में निगेटिव थॉट्स ही हमेशा ज़्यादा चलते हैं, ब्लैक कलर इसका फेवरेट हो सकता है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। नंबर 7 यहाँ पर है, और नंबर 10 मुझे ऐसा लगता है कि देखो, ये इंसान या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इसकी वजह से परेशान है, लेकिन ये इंसान आपको ऑफर करना चाहता है। अभी स्टक सा फील कर रहा था कल रात। देखो, इस इंसान के मन में आता बहुत है कि वो आपको ऑफर करे, कल रात की जो एनर्जी है वो स्टक फील कर रहे हैं, ऑफर करना चाहते हैं लेकिन स्टक है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं इनके लाइफ में, ओके, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी है, एरीज लियो सैजिटेरियस राशि यहाँ पर आपके पार्टनर की हो सकती है। अब आपके लिए एंजल क्या बताना चाहते हैं इस वक्त, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, देखते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप परेशान हो, देखो गाइस, जब हम परेशान होते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेंशन जब होती है तो समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो यहाँ पर आपको ये सलाह दी जा रही है कि आपको किसी को पूछना है, ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर कोई आपके आसपास आपके फ्रेंड्स है, आपके रिश्तेदार है, और अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप पूछेगा। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है या कोई परेशानी है तो आपको पूछना है, आपको किसी की हेल्प लेनी होगी, ये संदेश आपके लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी, कुछ बातें ऐसी हैं जो सच्चाई बाहर आना अभी बाकी है, ठीक है, और सच्चाई बाहर आएगी, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सोच रहे हो कि आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा, तो एंजल आपसे कहते हैं कि आपका पार्टनर वापस ज़रूर आएगा, आपके जीवन में रोमांस आएगा, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपकी शादी होने वाली है, बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है, आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी हालात है, जो परेशानियाँ हैं, जो दुख है, दर्द है, उससे लेट गो करने के लिए आपको कहा जा रहा है यहाँ पर। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।